गाइस, तो आप लोगों को ये सनराइज कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं यहाँ पे कैसे आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप मुंबई से हो तो यहाँ पे आने के दो वे है, तो आप लोकल करके कसारा उतर सकते हो या फिर एक्सप्रेस पकड़ के इगतपुरी उतर के आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। डिनर किया और फिर रात को 11:30 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो फिर वैसे हम लोग आए और रात को तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाया क्योंकि कुछ शूट करने जैसा था ही नहीं, सब पूरा अंधेरा ही अंधेरा था और सिर्फ एक टॉर्च की लाइट थी। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है 11:30 बजे, तो लेट्स सी अभी देखते हैं कब भी पहुंचते हैं। देखो ये खाली टॉर्च की लाइट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये ऐसा है रास्ता, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। चलो चलते हैं, हो जाए। हम लोग ने 11:30 बजे चढ़ना स्टार्ट किया था और अभी 1 बज रहे हैं, तो हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, यहाँ पे बैठे हैं। और वहाँ पे तो मैं कैमरा नीचे तो स्टार्ट नहीं कर सकता, पूरा अंधेरा है अंधेरा है। एक हाथ से टॉर्च पकड़ूँ या कैमरा पकड़ूँ, तो उसके लिए अभी यहाँ पे रुके थे, उसके लिए कैमरा स्टार्ट किया है। ज़रा एक बार देखो, ये अंकल जी रात को भी जाग रहे हैं, इधर बैठे हैं, सब लोग को देख रहे, पूछ रहे नींबू पानी चाहिए कि नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है अभी, यहाँ से रास्ता स्टार्ट है हम लोग का, दिख रहा है यहाँ से। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़े टाइम के लिए, और 2 घंटे से तो चल रहे हैं। अभी थोड़ा स्टेप जैसा दिखा, स्टेप ये, तो यहाँ पे थोड़ा रुके हैं 2 मिनट के लिए, एकदम सांस फूल गए। यहाँ पे से बहुत कुछ दिख रहा है पर अभी वो कैमरे में नहीं दिखेगा,
पर मुझे दिख रहा है, तो चलो थोड़ा आगे ऊपर मिलते हैं। Yes, we done it. अभी 3 बज रहे हैं। हम लोग ने 11:30 बजे स्टार्ट किया था ट्रैक और अभी 3 बजे हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी see you at 6। अभी यहाँ का सनराइज लेके और तभी आपसे बात करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय। कलसुबाई के टॉप पे हम लोग 3 बजे पहुंचे और वहाँ पे 2 घंटे आराम किए, बहुत ठंडी लग रही थी। और उसके बाद 5 बजे के बाद थोड़ा उजाला आना स्टार्ट हुआ और फिर सनराइज हुआ, फिर थोड़े फोटो लिए, वीडियो लिए। देखो ये है कलसुबाई, कलसुबाई का पिक पॉइंट, हाईएस्ट पिक पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र। और फिर अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे, तो अभी की कहानी मेरे जुबानी, चलो चलते हैं। Adrien!